असलम जी मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुल ऑफिशल यूट्यूब चैनल नाजिन आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आई आर का वो होगा सवरनेटी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है इसकी टाइप्स क्या हैं ये वैसे होती क्या है आज कल के दौर में इसके क्या स्कोप है और इसको थ्रेट्स क्या क्या हैं तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम <coughs> इसके मुताबिक सोवरेनिटी बेसिकली इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उसके अंदर एक गवर्नमेंट को राइट दिया जाता है कि वो अपनी उस टेरिटरी के अंदर जो भी टेरिटरी है उसके अंदर जो कुछ करना चाहती है वो करे लाइक like अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो अगर मैं यहाँ पर मैप बनाऊँ कि ये पाकिस्तान का मैप है ठीक है तो इस मुल्क के अंदर ये जो इसकी टेरिटरी है इसके अंदर पाकिस्तान जो कुछ करना चाहता है इसको कोई भी कंट्री आके रोक नहीं सकता कुछ भी को कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहती है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कोई भी कोई लेजिस्ेशन करनी चाहती है मतलब कि अपने जो सिटीजन्स हैं उसके ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई करना चाहती है तो कोई भी एक्सटर्नल टेरिटरी और इंटरनल टेरिटरी कोई भी इनको ब्लेम नहीं कर सकता ठीक है ना ही इनको रोक सकता है

कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब कि आपकी ओवरऑल अथॉरिटी होनी चाहिए ओवर दिस सॉर्ट ऑफ टेरिटरी ठीक है और कंप्लीट होनी चाहिए मतलब कि आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो और आप प्रॉपर uh, फ्रीडम हो इन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स अगर हम इसकी एवोल्यूशन देखें हिस्टिकली कॉन्टेक्स में तो कंसेप्ट ऑफ सवरानिटी इमर्ज इन सिक्सटीन सेंचुरी पंद्रह सौ पचपन में पीस ऑफ अगस्त एग्रीमेंट हुआ साइन बिटवीन होली रोमन एम्पायर एंड चार्लिस फी और यहाँ से ये जो एग्रीमेंट था उससे हुआ था एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ था सी एस रिजियो रिलीजियो मतलब ही हुन द रीजन विल डिसाइड द रिलीजन इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एविडेंस िटी मतलब कि आप एक रीजन के अंदर जहां पर आप कंट्रोल कर रहे हो आप अपने आप को एक कंप्लीट अथॉरिटी दे रहे हो इन दैट रीजन कि यू हैव टू डिसाइड द रिलीजन ऑफ दैट रीजन डिस एनीथिंग एल्स उसके बाद जीन बोडीन फिलासफर्स uh, थे उन्होंने अपनी छह बुक्स लिखी रिपब्लिक के ऊपर ही स्ट्रेस्ड ऑन सोवरिटी इन हिज व्यू बेंग सोवर इज बेसिकली हैविंग पावर टू मेक लॉस जो जीन बुटीन थे इन्होंने छह किताबें लिखी थी और उनके मुताबिक जो सोवरेनिटी है बेसिकली वो कि आप लॉ मेकिंग करें ठीक है अपने सिटीजन के लिए डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो पावर टू मेक लॉज स्टेट शुड एंजॉय द सुप्रीम पावर ओवर इट्स एंड सब्जेक्ट्रेन बाय लॉ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्टेट की अथॉरिटी को जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको रोक सके टू इम्पोज ला टू इम्प्लीमेंट ला या टू मेक लॉज कुछ भी ला मेकिंग बेसिकली इसने डिफ़ाइन किया था जीन बोटी ने रोसू जो कि पॉलिटिकल फलोसफर थे उनके एक्सरसाइज ऑफ जनरल विल ऑफ़ द पीपल मतलब के जो लोग कहते हैं बेसिकली उसकी एक एक्सरसाइज है उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है कि लोग क्या कहते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट है ये सोवरेनिटी नेक्स्ट अगर देखें तो रैशनल क्या है जी सोवरेनिटी का एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ कमांड इज वेस्टेड इन द पीपल क्योंकि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ ओवरऑल जो रूल होता है वो लोगों का होता है ठीक है जिस तरह अब्राहम लिंकन का कॉल भी है डेमोक्रेसी इन विच द पीपल गवर्नमेंट इज लेड बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल मतलब कि ये इस तरह का एक वो था कि किस तरह गवर्नमेंट ही लाभ बनाती है गवर्नमेंट होती किसकी है लोगों की किस के लिए लाभ बनाती है लोगों के लिए और किस पर अप्लाई करती है वो भी लोगों के ऊपर ही होते हैं और उनको रूल कौन करते हैं लोग ही करते हैं सो so बेसिकली जो एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ कमांड है इज वेस्टेड इन द पीपल पीपल डेलीगेट देयर पावर टू प्रिंस और फंक्शनरीज मतलब कि अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम एक डेमोक्रेटिक कल्चर में रह रहे हैं तो हम क्या करते हैं जब इलेक्शन होता है तो हम अपनी जो पावर है वो अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं फॉर एग्जांपल आपने किसी को भी वोट किया अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं तो छः सीटें इमरान खान साहब ने जीती हैं मतलब कि वो जो छः जगहें थी वहाँ पर जो लोगों ने अपना जो वो पावर थी वो जो कमांड की पावर थी वो जी पावर थी अथॉरिटी की वो उन्होंने इमरान खान को दे दी कि हम आपको देते हैं जी ये पावर ठीक है उससे क्या होगा नो बॉडी कैन चैलेंज दिनिटी इट इज़ हाइस्ट एंड फोर्सफुल विल ठीक है आप मतलब कि जब अपनी आप एक अथॉरिटी उनको दे देते हो अब आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते ठीक है ये इनके मुताबिक उसके बाद जी लीगल कंपिटेंस स्टेट्स गेट्स द अथॉर टू मेक लॉन् स्टेट इज फ्री फ्राम कम्पलशन एंड लिमिटेशन नो वन कैन इन्फ्लुंस द स्टेट देयर मस्ट बी अवरन इन एवरी नेशन और कम्यूनिटी टू मैनेज द डिसिप्लिन मतलब कि ये बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी सारी जो पावर्स होती हैं वो उनको दे देती है सो so यहाँ पर हमें जो सॉवरनिटी है उसका रेशनाल हमें समझ आ गया होगा कि ओवरऑल जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है और लोग अपनी पावर जो होती है वो फंक्शनरीज या ओवरऑल जो पोलिटिकलीट है उसको व्यस्ट करते हैं उनको देते हैं जिनकी बेस पे वो जो पोलिटिकली लीट होती है वो एक अल्टीमेट का रोल प्ले करती है वो लॉ मेकिंग करती है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन करती है लेजिस्लेशन वगैरह करती है और ओवरऑल स्टेट के जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उनको चलाती है और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई भी अकॉर्डिंग टू सोवर सोवरनिटी के कंसेप्ट कोई भी चाहे कोई इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो कोई भी उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता नेक्स्ट अगर चलें तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ठीक है मतलब कि जो आपकी पॉलिटिकल पावर होती है जो पॉलिटिकल लीटर होती है जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है कोई मनार्क है या कोई किंग है या कोई अगर फॉर एग्जांपल थियोक्रेटिक कंट्री है तो जो वहां पर मेजर रूलर है जिस तरह खामनाई साहब हो गया ईरान के अंदर जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान हो गया इन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर वजीरम हो गया अमेरिका के अंदर सदर हो गया ये सारी होती हैं जो पॉलिटिकल पावर या लीडरशिप होती है जो इनके पास एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर होती है मतलब कि ना खत्म होने वाली पावर और एब्सोल्यूट होती है कि किसी की उसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती सिमिलरली रिजेक्ट द क्लेम्स ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है लाइक like कोई मेजर पावर हो गई या कोई भी हो गया वो आके अगर आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लुएंस करता है तो इसके जो क्लेम्स हैं इनको सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो रिजेक्ट करता है उसके अलावा जी सोवरनिटी इज इन अलाइनेबल जो कि मैं पहले आपको बताया कि ये ना शेयर होने वाली चीज़ है इसको कुछ भी आ, मतलब के खत्म होने वाली चीज़ भी नहीं है सिमिलरली सोवरनिटी इज प्राइमरी फंक्शन टू क्रिएट लॉ वो बस बेसिकली वही जीन बुद्दीन की बात कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ ह्यूमन सुपीरियर और आ, जो बेसिकली लेजिस्लेशन है पावर टू मेक लॉ इज सवरिटी अगर आप इसकी टाइप्स को देखें तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है जी सोवरेनिटी इसके अंदर जो रूलर होता है वो सिर्फ बाय नाम होता है उसके पास कोई पावर्स वगैरह नहीं होती जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती जब से ये टेंथ एटीनथ अमेंडमेंट हुई है उसके बाद और फिफ्टी एट टू बी वाला जो कंसेप्ट था वो भी ख़त्म हुआ वो इनके सेरिमोनियल पावर्स होती हैं इसी तरह किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड जो क्वीन या किंग्स वगैरह होते हैं उनके पास भी कोई एक जो स्ट्रॉग पावर होती है वो नहीं होती अब यूके के अंदर भी जो पावर है वो बेसिकली पार्लियामेंट के पास है लेकिन जो टिटुलर हेड है जो कंट्री uh, का जो ओवरऑल यूके का जो मेजर लीडर है वो किंग को कहा जाता है सिमिलरली जी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी इसकी जो दूसरी टाइप है वो इंटरनल uh, uh, जो सोवरेनिटी होती है टू एस्टेब्लिश द रेट ऑफ लॉ कानून को आपने पास करना है कानून को मेंटेन करना है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करना है और एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है कि आप फॉरेन पॉलिसी और क्रिटिकल जो डिसीजनज होती हैं उनको आप किसी के इन्फ्लुएंस के बगैर ले सकते हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी नेक्स्ट जी लीगल एंड पोलिटिकल सोवरेनिटी मतलब कि सोवरन टू लेजिस्लेट अबाउट द लॉज ऑफ नेशन पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह जो पोलिटिकल सोवरेनिटी होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस वगैरह या कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए डिजोरे एंड डिफेक्टो सवरानिटी जो डिजोरे होती है वो सवरानिटी मीन्स लीगल राइट ओवर अ पार्टिकुलर टेरिटरी मतलब कि अगर इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जब तलिबान की गवर्नमेंट से पहले जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी वो बेसिकली एक लीगल अथॉरिटी थी ऑफ दैट कंट्री लेकिन तालिबान वहाँ पर कुछ एरिया के ऊपर ना वो कब्ज़ा करते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर ना हमारी गवर्नमेंट है तो वो जो डी जोड़े सवरेंडी है वो जाती है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को और तालिबान वास जो डूइंग वो बेसिकली दे वर डूइंग डिफेक्ट सवरेंटी मतलब कि उनके पास जो एरियाज उन्होंने कब्जा किया हुआ था उनके ऊपर फैक्चुअल एबिलिटी थी उनकी टू कंट्रोल द टेरिटरी मतलब कि वो फैक्ट्स के लिहाज से वो उसको कंट्रोल करते थे ठीक है जो गवर्नमेंट थी उसकी वहाँ तक इतनी रसाई नहीं थी या वो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी या वो वहाँ पर उनकी जो क्लैश थे वे तालिबान हो रहे थे तो बेसिकली अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो वहां पर जो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की थी लेकिन कंट्रोल कौन कर रहे थे तालिबान अब अगर फॉर एग्जाम्पल आज को Uh, जो अफगान गवर्नमेंट अंडर द दई अशरफ खानी या कोई भी आते हैं वो आके तालिबान के कुछ थोड़े से हिस्से को कब्ज़ा कब्जा कर लेते हैं और फिर वहाँ पर वो कहते हैं जी कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है तो बेसिकली जो डिजोरे सवरानिटी होगी वो होगी तालिबान की आज के दौर में और जो फैक्चुअल गवर्नमेंट या डिफेक्टो सवरानिटी होगी वो उस अफगान गवर्नमेंट की होगी जिस टेरिटरी के अंदर वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा होगा सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट अगर है तो पॉपुलर सोवरेनिटी ये है अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन बाय द कंसेंट ऑफ इस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये वही इलेक्शन की बात कर रहे हैं नेक्स्ट ये अगर डिफरेंट व्यूज या डिफरेंट स्कूल ऑफ था सोवरेनिटी देखें तो लिबरल्स के मुताबिक स्टेट्स एबिलिटी टू कंट्रोल एक्टिविटीज इन एंड आउटवर्ड्स ऑफ बॉर्डर्स मतलब कि आपने बॉर्डर्स के अंदर और बॉर्डर्स के बाहर जो आपकी स्टेट के रिलेटेड मैटर्स हैं आपने उनको कंट्रोल करना है इसकी जो स्टेट की एबिलिटी होती है उसको कहते हैं सोवरेनिटी अगर रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो कहते हैं जी कि जो अथॉरिटेटिव डिसीजन होती हैं लाइक वेन यू हैव टू वेज अ जॉर या कोई भी इस तरह का क्रिटिकल डिसीजन लेना उसके अंदर स्टेट को सोवरेन होना चाहिए रसू का जो कंसेप्ट था उन्होंने बताया था कि जो सोवरेनिटी है वो इट इज इनडिविजिबल कि ये ना डिविजिबल नहीं है लेकिन जो आजकल का दौर है उसके अंदर इट इज़ डिविजिबल किस तरह इंडस वाटर ट्रीटी गवादर ये सारे क्या हैं हम एक वो प्रॉपर्टी किसी और कंट्री की है और शेयर दो से तीन कंट्रीज कर रहे हैं इसी तरह आप गवादर इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी है लेकिन चाइना यूज कर रहे हैं सिमिलरली ये अब सोवरेनिटी क्या हुआ इनडिविजिबल नहीं रहा सोवरेनिटी इस एब्सोल्यूट ये भी गलत हो चुका है कैसे हम पोर्ट अब वो चाइना के पास चला गया फॉर नाइन्टी नाइन ईयर्स टीज सोवरेनिटी इज परमानेंट अब ये भी नहीं है क्योंकि सोवरेनिटी इज नॉट परमानेंट इन दिस एरा कैसे ट्रीटीज और इंटरनेशनल लॉ जो हैं वो बेसिकली अर्ज करते हैं टू सबमिट द दंट्रीज टूर्ड्स द इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन चार्टर सॉरी यू चार्टर नेक्स्ट अगर देखें तो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं जी सोवरेनिटी so, के ऊपर सबसे पहले सोवरेनिटी इज अबव लॉ बट नाट अबव ऑल लॉज एक्सेप्ट नाट अबव द लॉ ऑफ नेचर ला ऑफ गॉड मतलब के जो नेचुरल लॉ है उससे ऊपर सवरानिटी नहीं है आप खुदा के अगेंस्ट नहीं जाते आप अल्लाह तला के असूलों के अगेंस्ट नहीं जाते जो जो कंट्रियाँ जिस जिस मतलब के डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं तो उनके जो गॉड्स के रूल्स हैं जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता सो सोवरन कॉन्ट एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अब अपने आप ठीक है आप ठीक है सोवरन हैं आप लॉ बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप अपने कानून के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते ठीक है चाहे आप पॉलिटिकल लीडर भी हैं बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड ऑब्जर्व कॉन्ट्रेक्ट विद इट्स सब्जेक्ट्स मतलब कि आपने जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद योर पीपल विद योर सिटीजन तो यू आर बाउंड टू ऑब्जर्व पीसफुली दैट कॉन्ट्रैक्ट

ये स्टेट को लिमिट कर दिया सिमिलरली इन डेंजर्ड स्पीशीज बर्निंग एमजॉन एंग फ्रांस Uh, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन होती है इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश होती हैं या uh, आप अपने कंट्री के अंदर जो हंटिंग वगैरह उनको रोकते हैं बेसिकली ये सारी चीजें क्या है कि आप जो स्पीशीज हैं जो कि इन डेंजर हैं आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं अब ये क्या है ये ग्लोबल गुड के लिए है मतलब कि कॉमन गुड के लिए है लोगों के लिए है ना कि सिर्फ यूर कंट्रीज अब ब्राजील के अंदर जो

तो उसके लिए उन्होंने बहुत बार जो ब्राज़ील की कंडमनेशन भी की उनको बहुत ज़्यादा कंडेम भी किया उनको रोका कि वाई यू आर डूइंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स बेसिकली अब वो तो अपनी टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं लेकिन क्या है ये दुनिया का कंसर्न है तो ये एक लिमिटेशन है ऑन द सवरिटी सिमिलरली ह्यूमन राइट्स अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर हम अपने मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हैं उनको ओवरऑल यू एन चार्टर जो है वो सपोर्ट करता है प्रोटेक्ट करता है तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं तो यू एन सामने आ जाती है और वो कहती है वाई यू आर डूइंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स एमनेस्टी इंटरनेशनल आ जाती है ह्यूमन राइट वॉच आ जाती है वो आगे कंडेम करती हैं जो स्टेट प्रैक्टिसेज हैं जिस तरह अब कल हम कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो कश्मीरीों के साथ हो रहा है फलस्तीन के अंदर जो इसराइल के अंदर जो फ़लस्ती के साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें क्या हैं बेसिकली वो हम बोलते हैं कि वाई यू आर डूइंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स ठीक है sort of तो ये इट इज़ नॉट इट इज़ आल्सो अलीमेट ऑन सोवरेनिटी इंटरनेशनल ट्रीटीज की अगर बात की जाए तो इट इज ऑलमोस्ट ऑब्जर्व द ट्रीटीज इन गुड फेथ एक्टा सेंट सरवेंडा ये ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता चुका हूँ आर सी ई पी ई यू ब्रेगजिट वग़ैरह ये सारी चीज़ें भी आपकी जो सोवरेनिटी है उसको थ्रेट कर रही हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन एम एन सीज़ और टेकिंग प्लेस ऑफ पॉलिसी मेकर्स मतलब कि आपकी जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी रोल प्ले कर रही हैं और वो इंफ्लुंस कर रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर आप जो कार माफिया है उसको देख रहे हैं ट्योटास होंडाई होंडा ये काफ़ी अरसों से, से पाकिस्तान के जो ओवरऑल लैंडस्केप है उसके ऊपर रूल कर रही हैं स्ट्रॉग नॉन स्टेट एक्टर्स थ्रेट टू द दवरानिटी तो ये भी होते हैं जिस तरह के आपका अगर देखें टी टी पी हो गया या बी एल ए बी आर ए ये काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं पाकिस्तान के जो ओवरऑल सवरानिटी है टेरिटोरियल इंटैग्रिटी है तो होपफुली uh, आपको ये सोवरेनिटी का कासैप्ट समझ आ गया होगा अगर आपको कोई किसी किस्म की एम्बीटी है तो आप पूछ सकते हैं इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स विद दिस फर्स थैंक यू अल्लाह हाफिज़